बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के दिन देखने वाले हैं जो भी छात्र बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है आप देख रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर वाले, आप जिस जिस छात्र के एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी यदि बन रहा है इससे रिलेटेड मैं रिटन एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, और जिन छात्रों के कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपका कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो एमसी की क्वेश्चन भी करा रही है साथ में, तो उन छात्रों से कहना चाहूंगा वो हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। हमारा जो नोट्स है बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक से बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाओ डाउनलोड कर लो। और या वहां आप कैसे पता चलोगे कि कैसे, तो सबसे पहले हमारा एक वेबसाइट है जिसका नाम है www ठीक है paperhacker.in paperhacker.in, आप सर्च करेंगे paperhacker.in जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और आपको वहां मिलेंगे एक बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का बटन, वहां बटन पर टच करने के बाद में आप पहुंच जाएंगे हमारे नोट्सों पर डाउनलोड कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं, समझ रहे ना, आपको वहां रिप्लाई मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये पेपर है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है, रिटन एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या याद करना है। सबसे पहले हमें देखा है लेखांकन, लेखांकन होता क्या है, अकाउंटिंग होता क्या है, सबसे पहली बात है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है और परिभाषा को बताइए, क्षेत्र प्रकार के बारे में आपको समझाना है, साथ ही साथ जो अकाउंटिंग होता है अकाउंटिंग थ्योरी आपको बता देनी है, मतलब कि सिद्धांत क्या होता है, लेखा कह सकते हैं लेखांकन का सिद्धांत और उनकी अवधारणा, लेखांकन की अवधारणाओं को भी आपको पढ़ लेना है, समझ रहे ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप टिक लगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, डबल जो कह सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम जो होता है इज मोस्ट इंपोर्टेंट, उसकी परिभाषा अर्थ का मतलब होता है, परिभाषा आपको बतानी है, उनके गुण और दोषों के बारे में आपको याद कर लेना है, समझ रहे ना। उसके बाद में आता है देखो रोज कह सकते हैं रोजना रोजना मंचा कह सकते हैं मंचा रोजना मंच कह सकते हैं रोज नमंच ठीक है, उसकी विशेषता के बारे में आपको देख लेना है। यह है खातावाही, खातावाही जो होता है खातावाही का अर्थ उसकी परिभाषा को देख लेना है, ठीक है, खातावाही जो होता है उसकी उसकी अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद में आता है देखो ये बोला गया, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं होंगी जो आपको याद करनी है, वो हमारे नोट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ बोला गया है देखो तलपट का अर्थ क्या होता है, तलपट के बारे में आप देखेंगे, जिसे हम ट्रायल बैलेंस बोल सकते हैं उसका अर्थ के बारे में, ये है अंतिम खाता, जो फाइनेंस अकाउंटिंग होता है अकाउंट बोल सकते हैं, फाइनल अकाउंट जिसे बोलते हैं अंतिम खाता को फाइनल अकाउंट बोलते हैं, और फाइनल अकाउंट क्या होता है उसके और लाभ हानि खाता क्या है, चिट्ठा क्या होता है, लाभ हानि खाते को भी आपको याद करना होगा कि अंतिम खाता किसे कहते हैं, लाभ हानि खाता किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो इसे कहते हैं समायोजन, समायोजन का अर्थ क्या होता है, उसके उद्देश्यों के बारे में, समायोजन होता क्या है, एडजस्टमेंट बोल सकते हैं उसका, जो एडजस्टमेंट है उसका अर्थ क्या होता है, मतलब की परिभाषा क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, ये आप याद करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये है किराया, किराया क्रय पद्धति एवं, और यहां बोला गया है किस्त भुगतान पद्धति, दोनों में आपको अंतर पूछ लेता है, दोनों में अंतर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभागीय, देखो कह रहा है विभागीय लेखो, देखिए मैं बहुत कम क्वेश्चन आपको क्लियर कर रहा हूं, यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं 85% प्लस करना लाते हैं लाना चाहते हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टॉप बनने का सिर्फ एक ही राज है वो पेपर है का, समझ रहे ना। और आप हमारे नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लेना, कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे जो कह सकते हैं जो अमाउंट होता है उसको उद्देश्य लाभों के बारे में, विभागीय लेखों के बारे में बताना है, शाखा किसे कहते हैं, ठीक है, तलपट के कह सकते हैं सम्मेलन पर जो जनरल प्रविष्टियां होती हैं उन प्रविष्टियों के बारे में आपको देख लेना है, ठीक है, बस यही क्वेश्चन थे। और देखिए कुछ क्वेश्चन शायद इधर दिखाई देंगे तो शायद मैं आपको देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन दो चार और हैं, इनको भी यहाँ पे याद कर लीजिए, ये वाला ये देखिए ये क्वेश्चन है लेखांकन का अर्थ क्या होता है, मैं ऊपर बता चुका हूँ, छोड़ दीजिए, ठीक है, उनके प्रकार कितने होते हैं, सीमा उद्देश्यों के बारे में और उनके कह सकते हैं प्रमापों के बारे में देख लेना है। यहाँ कह रहा है खातावाही, मैंने पहले बता रखा हूँ उसका अर्थ, परिभाषा इसको छोड़ दीजिए, किस्त
भुगतान पद्धति की क्षेत्र उनके विशेषता के बारे में देख लेना है। और ये देखिए जो छुड़वा रहा हूं बस वही देखो याद करना है जो आपको बता रहा हूं, यहां बाकी छुड़वा रहा हूं उसको काट देना है। यहां देखिए नकल मूल्य जो आप देख रहे हैं उनकी गणना आपको बताना है, वार्षिक विधि में बताना है, ठीक है। ये आपको एक रखा है, सॉरी नकल नगद नगद मूल्य की गणना आपको वार्षिक विधि में बताना है। और ये है विभाग एवं शाखा, विभाग किसे कहते हैं, शाखा किसे कहते हैं, विदेशी शाखा और विशेषताओं के बारे में देख लेना है। यदि आप लाना चाहते हैं 85% प्लस टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर हैकर को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना होगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने हुए हैं आपके सभी पर शेयर कर दो इस वीडियो को एक बार और दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। क्योंकि अब आपका पेपर हैकर जो है वो आपके साथ है, कुछ भी हो जाए आपको टॉप करना है। जो क्वेश्चन बता रहा हूं वही पढ़ना है, बाकी इस नोट्स को हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाना है वही एक ही नोट्स में सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।